हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो आज हम जाने वाले घूमने, मतलब आज हम अपने बेटू को पहली बार घुमाने लेके जाने वाले हैं। कहाँ लेके जाने वाले हैं वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और सो अभी हो रहे हैं घड़ी में 5:30, ठीक है। सो अभी मैं 5 मिनट पहले ही उठी हूँ, तो फटाफट से पहले रेडी हो जाते हैं, देन मैं उसके बाद मिलती हूँ। और ब्लॉग को पूरा देखना, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं प्रॉपर से रेडी होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी, एज यू कैन सी। तो अब मैं फटाफट से अपने बेटू को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने ये वियर किया, ये वाला सूट कुछ इस टाइप से, ऑक्सीडेंटल ज्वेलरी पहनी है। तो मैं फटाफट से अपने बेटी को रेडी कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी उसके साथ, मतलब सबको दिखाऊंगी कि हमारे साथ कौन कौन जाने वाला है, वो सब भी दिखाऊंगी। सो ब्लॉग में आगे तक बनी रहिएगा। हम हो गए डैडी। बेपू पापू देख के रिली देगी गुड्डू। सो अब हम निकल गए हैं घूमने के लिए। सो गाइस, फर्स्ट हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर। फर्स्ट झंडे वाले मंदिर जाएंगे घूमने, तो मैं आपको ऐसे ही सारी क्लिप्स दिखाती जाऊंगी। और ये देखो, अभी से ही, मतलब अभी हम पहुंचे भी नहीं और ये गाड़ी में जनाब सो चुके हैं ये मम्मा, और ये हम चल रहे हैं रास्ते में। हमारे बेटू सोए हुए हैं आराम से, एंड मैंने और बेटू ने ट्विनिंग करी है आज। मेरे को ना सेम कपड़े पहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा उसको और खुद को सेम कपड़े ही वेयर करवाती हूँ। सो हम पहुँच चुके हैं, तो हमने ये बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी है। तो यहाँ से एंट्री में ना दो गेट्स होते हैं, एक तरफ से प्रसाद लेते हैं और दूसरी तरफ से, मतलब दोनों तरफ जाने के होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो किसी भी रास्ते जा सकते हैं। पर प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ रहा था मंदिर में बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, तो फिर हम दूसरी साइड से गए, दूसरे वाले गेट से। तो ये देखो, इनकी घूमी घूमी हो रही है। तो यहाँ पे ना ये शॉप्स होती हैं साइड साइड में, जैसे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो या कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए हो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। Thank you.
सारे मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पे, मूर्ति स्थापित की गई है सबकी, तो हमने यहाँ पे सबके दर्शन किए। ये हमारे बालाजी महाराज, तो ऐसे यहाँ पे सबकी मूर्ति स्थापित की गई है। और ये देखो सब मंदिर घूमने के बाद ना फिर फटाफट से थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए। पापा को देखो बेटू को खिला रहे हैं उसको नीचे लिटा दिया, वो रोने लग गया था। तो कुछ इस तरीके से हमने किए दर्शन एंड फिर ऐसे करके ये पूरा मंदिर बनाया गया, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है ये। वहाँ पे हैं माता जी और ये पूरा मंदिर है। एंड जो ये पर्दा लगाया हुआ है ना, इसके साइड में ना कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। तो फिर उसके बाद हम सीधे गए, सीधे जाके यहाँ से ऊपर शिवलिंग है जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, तो फिर हम गए ऊपर। ये हम जा रहे हैं ऊपर, बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग बनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से जल लिया हमने, हम सब ने जल लिया चढ़ाने के लिए यहाँ पे, पर जल चढ़ाया। तो कुछ इस तरीके से हुए दर्शन। अब हम जा रहे हैं, मतलब मंदिर से वापस जा रहे हैं। तो ये जाने का रास्ता है, ये वहीं से ही पड़ता है, तो ये नीचे की तरफ है ये सारा, और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। बाकी आपको जो ये सामने सारा दिख रहा है ना, ये बैठने का है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं जितनी देर आप चाहें। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर बैठने के लिए भी, आप थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिर हम निकले बाहर एंड हमें प्रसाद में मिला ये पार्ली जी का बिस्किट, जो कि प्रसाद में मिलता है। एंड यहाँ पे ना चाय भी मिलती है बाहर, बट वो हमने पी नहीं थी क्योंकि हमें दूसरे मंदिर भी जाना था, तो हमने कुछ खाया पिया नहीं था। और ये जनाब देखो सो रहे हैं। एंड ना यहीं पे शूज़ वगैरह का भी होता है रखने का, जैसे अब टोकन वगैरह मिलता है। तो यहाँ से बाहर निकले हम, बाहर निकले एंड देन फिर फटाफट से गाड़ी में बैठे। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे मंदिर जो कि है हनुमान मंदिर। तो हम पार्किंग में लगा लेते हैं गाड़ी। और इस हनुमान मंदिर को मरघट वाले बाबा का मंदिर भी बोलते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी एंड देन फिर हमने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करके ही है ये मंदिर। तो बेटू को उसके बाबा लेके जा रहे हैं अंदर, आगे चल रहे हैं उसके पापा। तो यहाँ पे भी ना बहुत रश रहता है, ट्यूसडे को तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। आज संडे था, ये व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ एंड बिकॉज ऑफ आज मेरा बेटू, आज है 9 अप्रैल एंड ये हो गया है 4 मंथ का। तो हमने सोचा क्यों ना घूम के आते हैं, इसको भी घुमा के लाते हैं, तो इसलिए हम मंदिर गए थे सब लोग। तो गाइज़ अंदर ना जो हनुमान बाबा हैं उनके दर्शन नहीं होते हैं, वो वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देते हैं, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। उसके बाद हम चले तीसरे मंदिर,
तो ये देखो आगे कैसे मस्ती कर रहा है, आगे बैठा हुआ अपने दादू के पास। तो जो हम थर्ड मंदिर में जा रहे थे वो है प्रीत विहार में, जो कि गुफा वाला मंदिर है। तो उसकी स्पेशलिटी है वहाँ की गुफा, लोगों को पता होगा जो गए हैं। और इसको देखो, तो हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर, गुफा वाला मंदिर। तो ये है, और इसमें ना अंदर ना ये देखो कितनी प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ से है ये एंट्री। तो ये भी मंदिर ना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी देखने लायक है। देखती हूँ अगर मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ तो, बट मेन तो दिखाई दूँगी। तो यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, एंड यहाँ पे ना ये नौ देवियाँ हैं ना, नवरात्र वाली जो नौ देवियाँ होती हैं, ये उनका मंदिर है पूरा। ये तो आते और उसके आगे है भैरव बाबा का मंदिर, जो ये आगे ये रूम्स बनाए हुए हैं ना इनमें। तो आगे चलते हैं हम फटाफट से, तो पहले ना जल्दी जल्दी फिर पहले मैं आपको गुफा दिखाऊँगी। पहले ले लेते हैं हम प्रसाद। तो ये ले लिया हमने प्रसाद, जिसमें नारियल वगैरह और ये चुनरी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, श्रृंगार वगैरह होता है माता का, माता पे चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम गुफा में ही जाएंगे, क्योंकि प्रसाद लेके वहीं जाना होता है, क्योंकि गुफा के अंदर ही है वो माता जहाँ पर ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है, ये पूरा बाहर को आपको दिख रहा होगा। तो पहले हम गुफा में चलते हैं अंदर। तो ना मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगी आपको। भूल रहे हो क्या आप? तो ये है देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है ना, शेर का मुंह बनाया हुआ है। एंड अब हम चलते हैं अंदर, तो आप देखना ये पूरी गुफा है अंदर।
ये थी गुफा पूरी एंड इसमें अंदर मंदिर भी था जहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम आ गए बाहर। तो ये जो चुनरी वगैरह आपको दिख रही है ना रेड रेड, ये मन्नत की होती है, ऐसा कुछ मांगना होता है तो ये चुनरी हमें प्रसाद में ही मिलती है। तो हम यहाँ पे मतलब कुछ भी मांगना हो तो यहाँ पे बांध सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये पूरा आपको दिखाया एंड देन ना एक दो जगह और भी हैं बट वो मैं आपको नहीं घुमा पाई क्योंकि हमें कहीं और जाना था बट हम नहीं जा पाए। तो अभी मैं आपको यही दिखा देती हूँ। उसके बाद ना इसके पास ही मतलब आगे की तरफ जैसे आपको दिख रहा है ना ये एरो दिख रहा है ना उसके उधर ये मंदिर है, ये आगे की तरफ यहाँ पे ये मंदिर है। तो हम इस मंदिर में जाएंगे अंदर, यहाँ पे पूरा मंदिर दिखाऊंगी मैं आपको, ये आगे यहाँ पे सामने। और ये देखो कितने सुंदर हनुमान जी बनाए हुए हैं यहाँ पे और राम लक्ष्मण जी हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं मंदिर में। अब हम जा रहे हैं बाहर, हमारे हो चुके हैं दर्शन। सो गाइस व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड कौन कौन गया है यहाँ सभी मंदिर में मुझे वो भी ज़रूर बताना। ऑल्सो इतनी व्लॉगिंग करनी आती नहीं है बट जितना हो पाया उतना किया। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर था और यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है और बाकी वहाँ 9 देवियाँ हैं। सो ये यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग का एंड। तो चलो चलते हैं अब घर। So thank you for watching. Bye bye.